नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आवासीय जाति या कोई भी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सारी परेशानी को सॉल्व कैसे करें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप अप्लाई करते हैं जो आवासीय जाति या आए या कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। उसमें इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला जो एरर आ रहा है सेशन टाइम आउट, ये जो एरर आ रहा है, ये एरर आप जो लॉगिन करते हैं वो बहुत देर ज़्यादा समय तक लॉगिन रहने की वजह से ये टाइम आउट बता रहा है, इसलिए आप क्लोज करके फिर से लॉगिन कर लीजिए तो वो टाइम आउट वाला आपके पास प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, जैसे आप यहाँ पे आते हैं अप्लाई फॉर सर्विस पे और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाना हो, मान लीजिए आवासीय या आई या कोई भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी बनाना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो ये सारा चीज़ आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं लेकिन जो नाम आप इंग्लिश में लिखते हैं वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, हिंदी में आप नहीं नाम लिख पाते हो। इंग्लिश में तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो लेकिन हिंदी में लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए आपको एक पोर्टल पे जाना होगा जो गूगल के इनपुट पोर्टल है, गूगल का है वेबसाइट, आपको गूगल के इस वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस वेबसाइट पे गूगल इनपुट टूल, यहाँ पे आना, जैसे आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे इंग्लिश है तो लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आपको हिंदी कर देना होगा, हिंदी कर दीजिए। अब जो भी चीज़ आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ अगर आप लिखते हैं हिंदी में तो वो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। इसी तरह आप यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, कॉपी करके आप लाके यहाँ इसमें पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, हिंदी की लिखने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गए। अब तीसरी प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ आपने कर लिया, एक फ़ोटो अपलोड करने में फ़ोटो आपका अपलोड नहीं हो रहा है, यहाँ 20 KB फ़ोटो मांग रहा है, यहाँ पे याद रखना है 20 KB जो फ़ोटो मांग रहा है यानी कि फ़ोटो की साइज 20 KB से कम नहीं बल्कि 20 KB से ज़्यादा जो फ़ोटो का साइज है वो आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि फ़ोटो 20 KB से कम साइज वाला अपलोड करना है, ऐसा नहीं है, जो भी फ़ोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एरर, ये सारा चीज़ आप फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ आप सबमिट करते देख प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है, CIDMR ऐसे ही कुछ एरर आता है, CDIMR कोई इस तरह का प्रॉब्लम एरर आ रहा था, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, आप लोगों ने कमेंट किया था ये एरर का सामना कैसे करें, CIMR इस तरह का एरर अगर आए तो आपने जो फॉर्म भरा, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म भरा है आपने, तो आप अपने फॉर्म में अपना आधार नंबर दिए होंगे तो आपको करना क्या है, इस आपको आधार नंबर बॉक्स को खाली कर देना है। जब आधार नंबर देते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ठीक है। तो जब आधार नंबर आप हटा देंगे तो आपको CIMR का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये आधार नंबर दे के भी आप सबमिट कर सकते हैं जब इसका सर्वर सही से काम करता है आधार कार्ड की, तो कोई प्रॉब्लम, जब काम नहीं करता तो आपको CIMR इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट करें, हम आपको बहुत आपकी हेल्प करेंगे, आप बताएंगे उस प्रॉब्लम का किस तरह सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, अब बता देते हैं कि आप जो अप्लाई करते हैं उसके बाद कब मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट, कहाँ से मिलेगा,
जब अप्लाई करते हैं आपको एक रिसिप्ट मिलता है कि रसीद मिलता है, कुछ इस तरह रसीद आपको मिलेगा। यहाँ पे आपकी पूरा डिटेल रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक आपको सेवा प्रदान करने की तिथि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सेवा प्रदान करने की तिथि, ये देख लीजिए 27/7/2019 हमारा है इसका तिथि। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके 10 दिन बाद, वर्किंग 10 दिन के बाद आपको ये मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद वर्किंग 10 दिन, मतलब जिस दिन ऑफिस खुला रहेगा, ब्लॉक खुला रहेगा, उस 10 दिन के अंदर आपका प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जब ये अप्लाई करते 10 दिन जब हमारा पूर्ण जाए तो कैसे ये मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो करना कुछ नहीं, इसमें दो ऑप्शन, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे या ऑफलाइन अपने ब्लॉक से ले लेंगे। ऑफलाइन लेने के लिए ये रसीद आपको प्रिंट कर लेना है और आपके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी लेकर, इसकी फोटो कॉपी लेकर आपको ब्लॉक में जाना है। ब्लॉक के RTPS काउंटर पे जाके आपको रसीद दिखा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आपका सवाल आता है, कभी कभी ऐसा होता है इसकी वेबसाइट जो डाउन चलती है, कभी कभी इसकी वेबसाइट जो डाउन चलती है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पाता है। ये न्यू वेबसाइट है, इसमें कोई चेंजिंग होते रहता है, अपडेट होते रहता है, इसकी वजह से ये परेशानी कभी कभी होता है कि इसकी वेबसाइट खुलता ही नहीं है। तो आपको कुछ देर बाद ट्राई करना होगा तो आपको खुल जाएगा वेबसाइट। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है वेबसाइट को अपडेट करने में या कोई भी चीज करने में, ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए आप कमेंट करें, ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।